वेलकम टू एक स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ जियोग्राफी से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2023 और बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में भी आ सकते हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस तो जरूर करके जाए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको बताना चाहूंगा कि इफ यू हैव एनी क्वेरी और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है और अगर आपको ये जितने भी हम नोट्स करवाते हैं इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए क्लास ट्वेल्व ई एस न्यू ग्रुप ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप इसको ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू हमारी वेबसाइट है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा तो पहला जो एम क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे वो ये कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू ह्यूमन जोग्राफी सो एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ये भी है पोस्ट मॉडर्निज्म इन जियोग्राफी ये भी है एरियल डिफ्रेंशिएशन भी है बट ये जो ह्यूम ये जो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर है ये अप्रोच नहीं है सो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा फिर क्वेश्चन नंबर टू है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग दियोग्राफर इज एसोसिएटेड विद पॉसिबिलिज्म ठीक है पॉसिबिल Possibilis, पॉसिबिलिज्म uh, से कौन जुड़ा हुआ है रेड विडाल डी लाबलाश एल एन सी सैंपल या इमैनुअल कांट सो so, विडाल डी लाबलास जो है वो पॉसिबिलिज्म से जुड़े हुए हैं वो कनेक्टेड हैं फिर अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ठीक है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है जो यहां पे हमें नीचे दिए हुए हैं और स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है सो so, पहला ये हमें कहता है कि फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज अबाउट द फिजिकल एनवायरमेंट सही बात है ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर फिजिकल एनवायरमेंट सो so, यहाँ पे आप कह सकते हो कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर रिलेशनशिप जो होती है ह्यूमन बींग और फिजिकल एनवायरमेंट ये दोनों पढ़ाया जाता है सो so, यहाँ पे बोथ वन एंड टू आर करेक्ट सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफर इज एसोसिएटेड विद द गिवन डेफिनेशन एक डेफिनेशन दी हुई है आपको बताना है कि ये किसकी है ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ सो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ये एक ऐसी स्टडी है चेंजिंग रिलेशनशिप की बिटवीन अनरेस्टिंग मैन जो कभी रेस्ट नहीं करता और अनस्टेबल अर्थ जो कि अनस्टेबल है तो ये किसने बोला है सो so, ये जो है एलएनसी सैंपल इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी फिर अगला क्वेश्चन है हमारा इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वी कैन इमेजिन अ नेचुरलाइज्ड ह्यूमन हु इज लेस अर्ली स्टेज जो थी ह्यूमन की उसमें वो डरता था नेचर से द स्टेटमेंट इज सपोर्टेड बाय विच ऑफ द्यूमन जोग्राफी कौन से ये उससे जुड़ी हुई है सो ये हमारी डिटर्मिनिज्म से जुड़ी हुई है क्योंकि पॉसिबलिज्म में आप सभी को पता ही है कि ह्यूमन ने चेंजेस करे बहुत सारे नियो डिटर्मिनिज्मीक है ये अलग ही कॉन्सेप्ट था अगर फिर टेलर वाला तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ़ दोच एम्फेसाइजिस ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड सोफेस्टिकेटेड स्टेटिस्टिकल टूल्स वो कौन सी अप्रोच है जो ज्यादा फोकस करती है कंप्यूटर के यूज में और ज्यादा स्टेटिस्टिकल टूल्स वगैरह के यूज में सो so, इसमें स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन हमारा सही आंसर हो जाएगा ये जो अप्रोच है इसमें ये चीज़ ज्यादा होती है फिर उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स तो इसमें है आपको बताई देता हूं टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड नॉलेज ऑफ नेचुरल लॉज इज इंपॉर्टेंट तो ये इसका हो जाएगा आगे बढ़ते हैं सो so अब हम अगले चैप्टर पे आ चुके हैं ठीक है तो इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं हु हैज गिवन द फॉलोइंग रिमार्क अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एशिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि एशिया हैज़ मैनी प्लेसेज वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू वेयर पीपल आर मैनी सो ये किसने बोला है ये जॉर्ज बी क्रेसी जी ने ये लाइन बोली थी फिर अगला क्वेश्चन है व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू तो अनदर प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड जहां से लोग जाते हैं ठीक है जहां से लोग जा रहे हैं वो क्या कहलाता है प्लेस ऑफ ओरिजिन ठीक है जहां से वो गए हैं फिर है उसके बाद मैच दी फॉलोइंग सो अब हाँ मैच करना है देखते हैं क्या सही है इन माइग्रेशन ठीक है इन माइग्रेशन को हम कह सकते हैं ठीक है आगे देखते हैं पहले मैं आपको पूरा बता देता हूं पढ़ के फिर उसके बाद uh, आगे है आउट माइग्रेशन ठीक है आउट माइग्रेशन है फिर उसके बाद है पुल फैक्टर्स और पुश फैक्टर्स सो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो इन माइग्रेशन है ठीक है वो है यहाँ पे कहीं ना कहीं माइग्रेंट्स हु कम फ्रॉम अ प्लेस जहां से लोग आ रहे हैं आउट माइग्रेशन आप अगर यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा आपका कि भाई यहाँ पे माइग्रेंट्स हु मूव टू न्यू प्लेसेस आउट माइग्रेशन आप कहीं जा रहे हो फिर उसके बाद है आपके पुल फैक्टर्स ठीक है पुल फैक्टर्स जिनको देख के आप जा रहे हो कहीं पे अट्रैक्ट हो रहे हो सो बेटर कंडीशंस अगर आपको कहीं मिल रही हैं तो आप वहां पे पुल फैक्टर्स वहां पे काम करते हैं फिर है पुश फैक्टर्स पुश फैक्टर्स के अंदर आपका जो है आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो ऐसी चीजें जो आपको वहां से दूर जाने के लिए मजबूर कर देती हैं फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज अर्बनाइजेशन बर्थ रेट डेथ रेट माइग्रेशन ये तीनों से तो होता है भाई लेकिन जो अर्बनाइजेशन है लेकिन जो अर्बनाइजेशन है उससे थोड़ी ना भाई पॉपुलेशन चेंज पे कुछ असर पड़ेगा क्योंकि लोग अगर जन्म लेते हैं तो पॉपुलेशन चेंज हो रही है मर रहे हैं तो पॉपुलेशन चेंज हो रही है माइग्रेशन हो रहा है तो पॉपुलेशन चेंज हो रही है लेकिन यहां पे अर्बनाइजेशन का कोई भी लेना देना नहीं है सो so, हम ये कह सकते हैं कि इट इज द करेक्ट ऑप्शन फिर उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है

फिर उसके बाद फोर्टीन क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट मैचड करेक्टली इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वो ऐसा ऑप्शन है जो सही से मैचड uh, नहीं है बर्थ माइनस डेथ इक्वल टू नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डेथ माइनस बर्थ प्लस इन माइग्रेशन माइनस प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन फिर उसके बाद है भाई per ये थोड़ी होता है death per thousand percent birth rate कैसे कह सकते हैं so, सही हो जाएगा ठीक है एंड सम पार्ट्स ऑफ देल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड अप डेथ रेट्स एंड रिड्यूस्ड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या आप बता सकते हो कि कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से ये मतलब बहुत ज्यादा लोग मारे गए so, चार ऑप्शन है आप कमेंट करके बताइए क्या इसका सही आंसर होना चाहिए आगे बढ़ते हैं Which ऑफ दी फॉलोइंग फैक्टर्स was मेनली responsible फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन 20th सेंचुरी डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सो वो कौन से फैक्टर है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन ट्वेंटी सेंचुरी सो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह का डेवलपमेंट हुआ है बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है सो ऑप्शन ए यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारा सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया है ह्यूमन डेवलपमेंट वाला, सो so, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द ऑफ़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, डेवलपमेंट इज क्वान्टिटेटिव एंड एब्सोल्यूट तो भाई डेवलपमेंट क्या क्वान्टिटेटिव होती है ग्रोथ मीन्स अ क्वालिटेटिव चेंज एंड दिस प्राइज रिलेटिव ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बट डेवलपमेंट ऑक्योर्स वेड पॉजिटिव ग्रोथ ऑक्योर्स तो भाई सही बात है आप इसमें ये कह सकते हो कि ओनली थ्री वाला जो ये ये है ये जो लाइन लिखी हुई है ये सही है क्योंकि ग्रोथ जो होती है हमारी वो पॉजिटिव भी हो सकती है वो नेगेटिव भी हो सकती है लेकिन डेवलपमेंट का मतलब ही अच्छा चेंज होता है ओके फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा विद रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट के रेफरेंस में आपको कुछ चीजें बतानी है ठीक है सो तो द यहां पे पूछ रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ठीक है द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज फार्मुलेटेड बाय सेन और उसके बाद यहाँ पे है एनवायरमेंट इज द फोकल पॉइंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सो कौन सी वो स्टेटमेंट है जो यहाँ पे सही है आपको बतानी है तो आपके सामने ये ऑप्शन हैं ठीक है आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए आगे बढ़ते हैं हम ठीक है एक दो क्वेश्चन में आपको भी देता रहूँगा फिर अ विच ऑफ दी फॉलोविंग और इज और आर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ठीक है or or कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स हैं सो so, यहाँ पे है इक्विटी सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट सो यहाँ पे चार चीजें लिखी हुई हैं सो आप कह सकते हो कि भाई इक्विटी होना भी बहुत जरूरी है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी भी बहुत जरूरी है प्रोडक्टिविटी भी बहुत जरूरी है एंड एम्पावरमेंट भी जरूरी है सो वी कैन से दैट सेन टू थ्री फोर आर करेक्ट फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है या जो अगला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि आपको प्रॉपर मैचिंग करने के बाद आपको बताना है कि क्या यहाँ पे सही होगा सो so, सबसे पहला है इनकम अप्रोच ठीक है इनकम अप्रोच का मतलब है यहाँ पे कि जब आपके इनकम के लेवल हाई होंगे तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट भी हाई होगा ठीक है अगर आपकी इनकम हाई है तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी हाई होगा फिर उसके बाद यहाँ पे वेलफेयर अप्रोच वेलफेयर अप्रोच का मतलब होता है कि जितना भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए होना चाहिए सो यहाँ पे ये हो जाएगा ठीक है फिर है बेसिक रिक्वायरमेंट अप्रोच बेसिक रिक्वायरमेंट अप्रोच का मतलब है प्रोविजन ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट जो बेसिक चीजें होती है वो मिलनी चाहिए कैपेसिटी अप्रोच का मतलब है कि क्रिएशन ऑफ ह्यूमन फैसिलिटीज फॉर एक्सेस टू रिसोर्सेज सो वी कैन से दैट यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा प्रॉपर मैचिंग के बाद फिर है विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैचड ठीक है आपको बताना है कौन सा वो पेयर है जो सही से मैचड uh, नहीं है इक्विटी का मतलब है सभी को इक्वल एक्सेस वगैरह मिले सही बात है सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे आगे भी लोगों को प्रोडक्टिविटी का मतलब है यूजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज विद फिगर इन माइंड एम्पावरमेंट का मतलब है एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप सो सारे सही है बस ऑप्शन सी जो है ना ये करेक्टली मैच नहीं है क्योंकि प्रोडक्टिविटी का ये मतलब नहीं होता फिर है क्वेश्चन नंबर सिक्स विद रेफरेंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो एच डी आई होता है उसके रेफरेंस में हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है सो uh, so, यहाँ पे पहला है जो मतलब पॉइंट लिखा हुआ है द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक्स कंट्रीज ऑन द बेिस ऑफ परफॉर्मेंस इन की एरिया सच हेल्थ एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज ओके द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज बेज ऑन स्कोर बिट्वीन जीरो टू वन द क्लोजर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर इज टीवन द लोअर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि कौन सी यहाँ पे जो लाइन है वो सही है ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एच डी आर जो है उसको कौन पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को फिर उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है हमारा वैन वॉज द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज इसकी पहली रिपोर्ट कब आई थी नाइनटीन नाइनटी में आई थी फिर उसके बाद है अब अगले चैप्टर पे हम आ चुके हैं प्राइमरी एक्टिविटीज पे सो so पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड देन चूज वन ऑफ द गिवन ऑप्शन सो पहला जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है पहली लाइन वो है ट्रांसपोर्ट एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज आर इंक्लूडेड सेकेंडरी एक्टिविटीज ठीक है फिर उसके बाद है प्राइमरी एक्टिविटीज आर डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन नेचुरल एनवायरमेंट सो ओनली टू इज करेक्ट भाई ट्रांसपोर्ट वगैरह थोड़ी आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज में आपका जो दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो होती है वही आती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज पाउंड इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये कहां पे पाया जाता है मॉनसून एशिया ठीक है ये आप कह सकते हो यहां पे पाया जाता है कोल खहोज ठीक है कोल जो टर्म है वो क्या है इस रिलेटेड टू कोपरेटिव फार्मिंग डेयरी फार्मिंग कलेक्टेड सॉरी कलेक्टिंग फार्मिंग या मिक्स फार्मिंग सो ये आपकी कलेक्टिव फार्मिंग के अंतर्गत आती है फिर है गुजरस गुजर्स बकरवाल्स गद्दीज एंड भोटियाज लिव इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ हिमालय रॉकी आल्प्स या एंडर्स सो ये हिमालयन जो रीजन है वहां पे पाई जाती ये जाती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज स्पेशलाइजेशन इन फ्लावर प्रोडक्शन कौन सी वो कंट्री है जिसको स्पेशलाइजेशन प्राप्त है फ्लावर प्रोडक्शन में सो वो नीदरलैंड है ओके फिर सिक्स क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग पेयर इसमें से कौन सा वो पेयर है जो रॉन्ग है कोको एंड एंड कॉफी प्लांटेशन वेस्ट अफ्रीका, टी गार्डन श्रीलंका रबर प्लांटेशन मलेशिया शुगर केन ब्राजील सो भाई यहाँ पे ब्राजील वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा ठीक है कॉफी वगैरह के लिए ज्यादा फेमस है भाई ब्राजील सो so आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर सो so, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये कहता है सीमेंट इंडस्ट्रीज फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज सीमेंट इंडस्ट्री भाई एग्रीकल्चर बेस पे तो नहीं आएगी केमिकल वाले में भी नहीं आएगी ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हेयर दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेकेंडरी सेक्टर बास्केट निटिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग स्टील स्मेल्टिंग इंश्योरेंस एक्टिविटी ये नहीं आता भाई सेकेंडरी में इंश्योरेंस में ये कोई मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी हो रही है यहाँ पे फिर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रीलांस इंडस्ट्री फ्रीलांस इंडस्ट्रीज में कौन सी आती है मोटर कार इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या फर्नीचर इंडस्ट्री सो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आप टाइप करके बताइए एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेक्नोलॉजी पोल इन इंडिया इज अहमदाबाद ठीक है बेंगलोर दिल्ली या लखनऊ सो बेंगलोर है भाई टेक्नोलॉजी पोल बहुत टेक्नोलॉजी वगैरह के मामले में बहुत आगे है प्रोफेशनल वर्क सो क्वेश्चन है ऑफ द इज टर्शियरी एक्टिविटी इसमें से कौन सी वो एक्टिविटी है जो कि एक टर्शियरी एक्टिविटी है क्लोदिंग मैन्युफैक्चरिंग कम्युनिकेशन वीविंग माइनिंग भाई माइनिंग वीविंग क्लोदिंग मैन्युफैक्चरिंग ये सब अलग ही एक एक्टिविटीज है भाई कोई सेकेंडरी में है कोई फर्स्ट में है लेकिन कम्युनिकेशन एक टर्शियरी एक्टिविटी में हम कह सकते हैं सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ दी इज दर्टनरी एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन मनी एंड बैंकिंग प्रिंट मीडिया या रिसर्च सो रिसर्च बेस्ड जो जितना भी जो ब्रेन जिसमें ज्यादा यूज हो रहा है वो इसमें आ जाएगा फिर थर्ड है विच एरिया ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूड्स हाई लेवल डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग बहुत ज्यादा जिसमें चाहिए होता है मैंने अभी बताया ना आपको कॉर्टनरी जो एक्टिविटीज होती है उसमें बहुत रिसर्च बहुत ज्यादा हाई लेवल की डिसीजन मेकिंग आपको स्किल्स चाहिए होती हैं वॉट अफेक्ट द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट की डिमांड को क्या अफेक्ट करता है पॉपुलेशन का साइज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इंडस्ट्राइजेशन या नन ऑफ दिस भाई पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उसी के हिसाब से ही जो डिमांड होती है ट्रांसपोर्ट की वो मैटर करती है फिर पांचवा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कम्युनिकेशन सर्विस इंक्लूड द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स एंड मैसेज फैक्ट्स नॉट आइडियाज और उसके बाद है द रोड दिच ऑफ गिवन आर करेक्ट सो दूसरा वाला सही है भाई ठीक है यहाँ पे दूसरा वाला हमारा सही हो जाएगा ओनली टू क्योंकि कम्युनिकेशन सर्विसेज में आइडियाज भी तो हम अपने इधर उधर भेज सकते हैं आइडियाज क्यों नहीं भेज सकते भाई फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछता है रेडियो एंड टेलीविजन आर कवर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सो सेकेंडरी में नहीं आता डर्शी में आप इसको रख सकते हैं क्योंकि सर्विस वगैरह कहीं पे प्रोवाइड कर रहे हो आप ठीक है और इतनी कोई रिसर्च वगैरह नहीं हो रही है तो क्वार्टनरी में भी नहीं आएगा सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा मादी केरी एंड कोर्ग आर रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द कंटेक्सट ऑफ स्टेइंग इन होम्स किससे रिलेटेड है कर्नाटका से रिलेटेड है ये कोर्ग वगैरह ठीक है बेंगलोर साइड है फिर आउटसोर्सिंग इज हेल्पफुल आउटसोर्सिंग हेल्पफुल होती है हमारी इंप्रूविंग एफिशिएंसी बिल्कुल सही बात है इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज बिल्कुल सही बात है इंडिया जैसे देशों में या और देशों में अगर आउटसोर्सिंग होती है दूसरे देश की कंपनी आती है तो हमारे यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट मिलता है रिड्यूस प्राइस कम पैसे में भी काम हो जाता है सो ऑल दीज आर करेक्ट अब बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर सो so, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ंग दॉलोविंग वाटरवेज कनेक्ट द इंटीरियर पार्ट ऑफ यू एस ए विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको कौन सा है वो जो जोड़ता है इंटीरियर पार्ट ऑफ यूएसए को गल्फ ऑफ मैक्सिको से द ग्रेट लेक वोल्गा वाटरवे डेन्यू वाटरवे या मिसी सीपी वाटरवे सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ये दूसरा क्वेश्चन है इन मॉडर्न टाइम इनलैंड वॉटरवेज आर लूजिंग देयर इंपोर्टेंस वॉट इज द रीजन

चिली एंड पेरू ठीक है बोलिविया एंड कोलंबिया वेस्टर्न कोस्टल एरिया सो इसके अंदर जो पंपास का जो एरिया है अर्जेंटीना का और जो कॉफी ग्रोइंग रीजनस है ब्राजील के वहां पे ज्यादा डेंस है फ्रॉम विच रिवर डज अ कैनल जॉइंट स्वेज कैनाल एंड सप्लाई फ्रेश वाटर टू पोर्ट एट पोर्ट सैद एंड कौन से रिवर से कनेक्टेड है सो so, जो नाइल रिवर है आपका ठीक है नील नदी वहां से ही कनेक्टेड है फिर है विच सी रूट कनेक्ट्स वेस्टर्न यूरोपियन रीजन टू साउथ ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड कौन सा है भाई आप सी रूट कह सकते हो कि जो इसको कनेक्ट करता है सो द केप ऑफ गुड होप ठीक है केप ऑफ गुड होप जो है ये कनेक्ट करता है वेस्टर्न यूरोपियन रीजन टू साउथ ईस्ट एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड जो मतलब हमारे रीजन है वहां पे फिर है सिक्स क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग मैच इज नॉट अ अप्रोप्रिएट यहाँ पे आपको बताना है कौन सा गलत है मैच ट्रांस साइबेरियन रेलवे फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल ट्रांस कनेडियन रेलवे हेलीफेक्स टू वैंकूवर द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवेज ठीक है फ्रॉम न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे फ्रॉम पर्थ टू सिडनी सो जो पहले वाला है ना ये बिल्कुल गलत है क्योंकि भाई आप यहां पे कह सकते हो ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेके तक, तक जाता है लेकिन यहां पे लिखा ही नहीं हुआ फिर उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है द राइन वॉटरवेज फ्लोस थ्रू राइन जो वॉटरवेज है वो कहां से जाता है जर्मनी एंड नीदरलैंड इसका करेक्ट आंसर है इन विच कंट्री इज द बिग इंच पाइपलाइन इज स्प्रेड कहां पे है बिग इंच पाइपलाइन नॉर्थ अमेरिका में है फिर है उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन सैटेलाइट इसमें से कौन सी वो है जो इंडियन सैटेलाइट नहीं है आर्यभट्ट है भास्कर है रोहिणी है स्पुतनिक हमारी नहीं है रशिया की है सो so, यहाँ पे हमारी ये क्वेश्चन हो जाएंगे अब हम आगे बढ़ते हैं मोस्ट ऑफ दी वर्ल्ड ग्रेट पोर्ट्स आर क्लासिफाइड एज डैश पोर्ट्स ज्यादातर जो हमारे पोर्ट्स हैं वो किसमें क्लासीफाइड हम उसको करते हैं कमर्शियल इंडस्ट्रियल पैकेट स्टेशन या कॉम्प्रसिव तो उसको हम कॉम्प्रीह पोर्ट्स में क्लासीफाई करते हैं सेकेंड है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस ट्रेड इज कंसिडर्ड एज टोटल वैल्यू टोटल वैल्यू को हम क्या कहते हैं ठीक है ऑफ गुड्स एंड सर्विस सो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ठीक है ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन विच अमंग इज नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ साफ्टा साफ्टा का इनमें से कौन सा वो देश है जो की एक मेंबर नहीं है सो so, म्यांमार इसमें सही आंसर हो जाएगा फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला इसमें देखते हैं देर आर थ्री स्टेटमेंट गिवन तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमें दी गई है ठीक है और इसमें आपको बताना है केयरफुली रीड करना है पहले इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू नेशंस इफ़ इट लेट्स टू रीजनल स्पेशलाइजेशन एंड हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन सही बात है भाई फ़ायदा दोनों को मिलता है जो भी कर रहा है ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड कैन बी प्रूव टू बी डिटरमेंटल टू नेशंस इफ़ इट लेट्स टू डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज अन लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोटेशन ऐसा भी हो सकता है भाई ये भी सही बात है ग्लोबल ट्रेड कैन नॉट इम्पैक्ट एनवायरमेंट हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल भाई ग्लोबल ट्रेड बिल्कुल इम्पेक्ट करता है एनवायरमेंट के ऊपर कौन कह रहा है भाई नहीं करता कितने ज्यादा जो हमारे ट्रेड के जो जहाज वहाज पानी में चलते हैं उससे कितनी मछलियां हमारी मर जाती हैं ठीक है एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है सो और स्टेटमेंट वन और टू तो सही है लेकिन थ्री जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं लिखी हुई यहाँ पे वेन वॉज डब्लू टी ओ कब एस्टेब्लिश हुआ 1995 आप सभी को पता ही होगा सो आगे बढ़ते हैं मैं देखो जो सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ जहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं बेस्ड ऑन ट्वेंटी इलेवन जो हमारा दो की जनगणना हुई थी सो so, आप इंडिया की पॉपुलेशन देख सकते हो यहाँ पे ठीक है ये इंडिया की पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू दो जो हमारी हुई थी ठीक है सवा सौ करोड़ और इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इंडिया की वो है 382 एटी टू परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर सेक्स रेशियो जो है इंडिया का वो है नाइन फोर्टी फीमेल्स पर थाउजेंडी मेल्स लिटरेसी रेट जो है इंडिया की वो सेवेंटी फोर पॉइंट फोर परसेंट है मोस्ट पॉपुलस स्टेट जो है सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश है लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट जो है वो सिक्किम है स्टेट विद द हाइस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई डेंसिटी जो है वो बिहार में है ठीक है इलेवन जीरो सिक्स परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर स्टेट विद लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ये है आपका सत्रह परसेंट मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर आप कह सकते हो और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के अंदर है भैया आपका ये सत्रह लोग जहां पर पर स्क्वायर किलोमीटर पर रह रहे हैं एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारी 1.64 परसेंट है प्रोपोर्शन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 17.5 परसेंट है सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जो अच्छा है वो केरला का है थाउजेंड एंड एटी फोर फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स स्टेट विद द मोस्ट अनफेवरेबल सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो ख़राब है वो हरियाणा का है वहाँ पे एट सेवेंटी सेवन फीमेल्स हैं पर थाउजेंड पॉपुलेशन है rural population, वो हिमाचल प्रदेश की की है 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 सबसे population, है है. सबसे ज्यादा ज्यादा जो जो वो 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 गोवा पे अंडमान निकोबार आईलैंड है और सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन जिस यूटी में है वो दिल्ली है सो so यहीं से आपका एमसीक्यूज के जितने भी जो है मतलब आपके क्वेश्चन बन सकते हैं तो आप इन फैक्ट्स को याद रख लेना आगे बढ़ते हैं वो. सो विच टाइप ऑफ सेटलमेंट इज ऑल्सो नॉन एज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट न्यूक्टेड सेटलमेंट भी जिसको कहा जाता है Hemleted नहीं semi -clustered भी नहीं dispersed वाली भी नहीं सेमी क्लस्टर्ड क्लस्टर्ड भी भी डिस्पर्स वाली वाली जो है आप इसको कह सकते हो न्यूक्टेड सेटलमेंट भी इसको कहा जाता है द प्लेस विच हैव अ अटी कैंटोनमेंट बोर्ड एंड नोटिफाइड टाउन एरिया इज नॉन एज आप यहाँ पे कह सकते हो जहाँ पे म्यूनिसिपालिटी भी होती है कैंटोनमेंट बोर्ड होता है ये आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कह सकते हो ठीक है ये इसका सही आंसर हो जाएगा फिर इन विच ऑफ दी फॉलोइंग वी विल फाइंड हैमिलेटेड सेटलमेंट्स। हैमिलेटेड सेटलमेंट्स जो हमारी होती हैं वो कहां पाए जाते हैं लोअर वैलीज ऑफ हिमालयाज प्लेन्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान नर्दन प्लेन्स या नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स जो लोअर वैलीज ऑफ हिमालयाज हैं वहां पर ये पाए जाते हैं मिलते हैं

लोकेटेड है पटना भी लोकेटेड है कोलकाता भाई हुगली है, है पटना गंगा है आगरा यमुना है भोपाल आप कह सकते हो कोई रिवर बैंक के पास में ये नहीं है सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा सिक्स क्वेश्चन जो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैरिसन टाउन ठीक है एक गैरिसन टाउन इसमें से कौन सा नहीं है लखनऊ जलंधर बबीना अंबाला सो लखनऊ इसमें सही आंसर हो जाएगा अब हम आगे चलते हैं पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप हर मस्टर्ड जूट या मिलेट सो मस्टर्ड जो है वो खरीफ में नहीं आता रवि में आएगा सो ऑप्शन भी सही हो जाएगा डैश इज एग्रीकल्चरल डेंसिटी एग्रीकल्चरल डेंसिटी क्या है सो इसमें आप पहला ऑप्शन देखते हैं नेट सोन एरिया ठीक है और उसके बाद है ग्रोथ सोन एरिया इन टू हंड्रेड ग्रोथ सोन एरिया बाय नेट सोन एरिया इन टू हंड्रेड या फिर टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन बाय न्यू सोन एरिया इन टू हंड्रेड सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन बाय न्यू सोन एरिया इन टू हंड्रेड ठीक है फिर उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वह इन विच ऑफ फॉलोइंग थ्री क्रॉप्स ऑफ राइस आर सोन नेमली एज अमन एंड बोरो अमन एंड बोरो ये कहां पर होते हैं ये वेस्ट बंगाल के अंदर होते हैं याद रखिएगा ठीक है फिर है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ जायद क्रॉप वाटरमेलन मेज क्यूकुम्बर या ऑल फोर क्रोप्स इसमें से कौन सी वो है जो जायद में नहीं आती देखो वाटरमेलन आते हैं क्यूकुम्बर भी आते हैं मेज जो है वो जायद में नहीं आता सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फिर उसके बाद है बादच ऑफ फॉलोइंग कंट्री हैज डेवलप्ड हाई यील्डिंग ऑफ व्हीट व्हीट एंड एंड राइस राइस की बहुत अच्छी कहां पे है मेक्सिको और फिलीपींस के अंदर आती हैं सो ऑप्शन ए याद रखिएगा विच ऑफ द फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन का कौन सा एक फीचर था इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी सही बात है डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन ये भी सही है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिड ये भी सही है सो ऑल दी अब आर करेक्ट ऑप्शन अगला क्वेश्चन है अब यहाँ पे हमारा विच ऑफ दिवर बेसिन लीस्ट रिचार्जेबल ग्राउंड वॉटर रिसोर्सिस सो यहाँ पे है तापी गंगा स्वर्णरेखा चंबल एंड इूटरीज क्या आप कमेंट में बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए अगला क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना है और इनकरेक्ट वाली बतानी है कौन सी है यहाँ पे ठीक है वॉटर इज एन ए बायोटिक रिसोर्स फिर है द क्वांटिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर इज ओनली थ्री परसेंट फॉर द ह्यूमन यूज द एनुअल यूज ऑफ रेन वाटर इज मोर इन गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी एज कंपेयर टू गंगा एंड ब्रह्मपुत्र सो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर कौन सा है ठीक है जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सो भाई तीसरा वाला जो है यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा ये जो तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत लिखा हुआ है मिकल हैज मोर कंसेंट्रेशन इन वॉटर इन बिहार ठीक है वो कौन सा केमिकल है जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है बिहार के अंदर जिप्सम सेलिनिटी फ्लोराइड या अर्सैनिक सो यहां पर अर्सैनिक सही आंसर हो जाएगा ये बहुत ज्यादा है इसका कंसेंट्रेशन पानी के अंदर बिहार में विच ऑफ़ following स्टेट यूज मैक्सिमम ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कौन यूज करता है पंजाब हरियाणा राजस्थान तमिलनाडु या छत्तीसगढ़ उड़ीसा केरला या गुजरात यूपी बिहार त्रिपुरा महाराष्ट्र ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा पंजाब हरियाणा राजस्थान और तमिलनाडु सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का यूज करते हैं द मैक्सिमम यूज ऑफ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर इज इन ये सबसे ज्यादा जो इसका यूज होता है वो कहां पर होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में एग्रीकल्चर डोमेस्टिक सेक्टर देखो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज होता है सरफेस वाटर का भी और ग्राउंड वाटर का भी फिर है ऑन विच रिवर इज हीरा डैम कंस्ट्रक्टेड हीरा डैम जो है वो किस रिवर पे है सतलुज व्यास महानदी या नर्मदा सो so, ये महानदी जो रिवर है उसके ऊपर ये डैम बनाया गया था द दॉटर रिसीव फ्रॉम रेनफॉल ठीक है जो हमारा रेनफॉल से पानी मिलता है वो क्या है एटमोस्फेरिक है लिथोस्पेरिक है ठीक है या फिर सेलाइन है या पोर्टेबल है सो so, ये हमारा पोर्टेबल वाटर है एट्स क्वेश्चन है द रेन वाटर फ्लोइंग इनटू रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड जो हमारा बारिश का पानी जो नदियों में लेक्स में ठीक है और पोन्ट्स वगैरह में जाता है वो क्या कहलाता है वो हमारा सरफेस वाटर कहलाता है जो हमारा ऊपर है सरफेस में Uh, उसके बाद है वाटर रिसोर्सेज आर ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग ठीक है हमारे वाटर रिसोर्सेज जो है धीरे धीरे डिक्लाइन उनके अंदर आता जा रहा है वाटर पोल्यूशन इज कोज बाय कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड एंड नाइट्रेट्स ठीक है सो आप कह सकते हो कि ये सही बातें लिखी हुई है भाई वाटर रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं फ्लोराइड और नाइट्रेट वगैरह का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है इस वजह से भी uh, फिर उसके बाद है विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वेल एंड ट्यूब वेल और ट्यूबवेल सबसे ज्यादा

ठीक है तो इसके अंदर है कि भाई मिनरल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस भाई ये तो पहली लाइन गलत लिखी है इवनली थोड़ी है अन डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का सो so, दूसरा है इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिनरल्स मिनरल्स एग्जॉस्ट विद इन द टाइम सो सही बात है आप कह इसमें कह लो कि भाई दूसरा और तीसरा सही है इसमें जो लिखा हुआ है पहला वाला जो है ये बिल्कुल गलत है

फिर उसके बाद है रिफ्लेक्ट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इसके ऊपर आपको देखना है इसमें पहला जो हमसे ये लिखा हुआ है भाई इसको पढ़ते हैं हम क्या है द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू इज ड्यू टू सॉरी इज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन और कोल मैग्नीम आर फाउंड इन केरला सो इसके अंदर आप कह सकते हो दोनों ही बातें सही है ठीक है सो यहाँ पे ऑप्शन सी को हम करेक्ट कह सकते हैं आगे बढ़ते हैं फिफ्थ uh, क्वेश्चन है हमारा वेयर आर मोस्ट ऑफ पेट्रोलियम डिपोजिट्स फाउंड्स इन इंडिया ज़्यादातर जो है हमारे वो पेट्रोलियम डिपोजिट्स कहाँ पे हैं सो भाई असम गुजरात और मुंबई हाई में है ये याद रखिएगा ये सिंपल सा पॉइंट है फिर उसके बाद है मैच uh, करना है आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ में स्टेट दिया हुआ है फिर आपको मिनरल भी दिया हुआ है सो so, इसके अंदर ठीक है जो हमारा राजस्थान है वहां पे तो आपको सैंडस्टोन मिल जाएगा ठीक है केरला में आपको थोरियम मिल जाएगा फिर गुजरात के अंदर ठीक है आपको यहाँ पे पेट्रोलियम डिपोजिट्स मिल रहे हैं फिर उसके बाद तमिलनाडु में आपको लिगनाइट कोयला मिल रहा है सो so, इस तरीके से आप कह सकते हो कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा फिर उसके बाद है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। So, आपको स्टेटमेंट्स को पढ़नी है और आपको फिर सही ऑप्शन जो है वो आपको बताना है बॉक्साइट इन द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर क्या बॉक्साइट का यूज होता है आयरन के स्मेल्टिंग में जी नहीं मैगनीज इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम बिल्कुल भी नहीं फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये कहता है माइका इज नॉन मेटेलिक मिनरल सही बात है विच इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री सो नॉन मेटेलिक मिनरल है और ये सही बात है भाई आप कह सकते हो कि ओनली थ्री इज करेक्ट विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें से वो कौन सा ऐसा है जो कि एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है कोल है नेचुरल गैस है न्यूक्लियर एनर्जी भी है पर बायोमास नहीं है ये एक नॉन कन्वेंशनल है रिफ्लेक्ट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोल कोल के बारे में कुछ बातें लिखी गई है यहाँ पे हमको देखते हैं क्या है कोल इज ठीक है यहाँ पे आप अगर देखोगे ये नाइन्थ क्वेश्चन चल रहा है हमारा सो कोल इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी एंड फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन और ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पे आगे पूछता है द कंटेंट ऑफ कार्बन इज विटिनियस कोल इज लेस देन 50%. परसेंट द मैक्सिमम डिपोजिट ऑफ कोल आर फाउंड इन दामोदर वैली ब्राउन कोल इज ऑल्सो नोन एज लेगनाइट सो इसके अंदर क्या सही होना चाहिए क्या आप बता सकते हो ठीक है इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं क्या आप बता सकते हो इसमें से क्या सही होना चाहिए ठीक है फिर अगला क्वेश्चन है हमारा विच uh, ऑफ दी कॉलम्स इज नॉट मैचड करेक्टली आपको बताना है सही से वो कौन सा है जो मैचड नहीं है आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्ट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसको पढ़ते हैं सो so, इसमें सबसे पहले यह दिया हुआ है इंडिया इंडिया फॉलोज डी सेंट्रलाइज प्लानिंग फिर एट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्लानिंग लाइज विद द प्लानिंग कमीशन द रियल सॉरी द रीजन ऑफ डिले इन द एथ फाइव ईयर प्लान वॉज टेंशन विद द नेबरिंग कंट्रीज सो इसके अंदर कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है सो so, इसके अंदर आप कह सकते हो कि ओनली टू वाला जो है आपका ठीक है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग लाइज विद द प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन ही ये सारा काम करता है जिसको नीति आयोग में बाद में बदल दिया गया है ठीक है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रॉट प्रोन एरिया वेस्टर्न मध्य प्रदेश तेलंगाना प्लेट्यू गुजरात वेस्टर्न घाट सो इसके अंदर वेस्टर्न घाट सही आंसर हो जाएगा अंडर विच फाइव ईयर प्लान द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड कौन से फाइव ईयर प्लान में हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में इसको किया गया था स्टार्ट ट वॉज द मेन पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द फिफ्थ फाइव ईयर प्लान फॉर दॉन एरिया इसका मेन पर्पज क्या था टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट सॉल्विंग द स्कैसिटी ऑफ वॉटर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड नन ऑफ द अब सो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा मेन फोकस था यहाँ पे ठीक है फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दर्गनाइजेशन बीन एस्टेब्लिश टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रोड्स डेजिग्नेटेड एज नैशनल हाईवे सो इसका काम एन का है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉट इज द एक्सपेंशन ऑफ नेशनल वाटर वे वन ठीक है ये क्या है सो so, अलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक इसका एक्सपेंशन है ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा फिर उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गि अल्टरनेटिव आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है फिर ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा Construction of roads is cheap and easier in plain areas. ओके द नेचर ऑफ टेरेन एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ डेंसिटी ऑफ रोड्स सो इसके अंदर कौन सा हमारा सही होना चाहिए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वन सही बात है भाई रोड बनाना आसान होता है प्लेन एरियाज में जहां उबड़ खाबड़ नहीं होता ज्यादा और ये कैसा नेचर है वहां का टेरेन कैसा है उबड़ खाबड़ तो नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा, तो कैसा है ये भी मैटर करता है फोर्थ क्वेश्चन विच ऑफ़ दीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस रोड ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन रेल ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट सो रेल ट्रांसपोर्ट आप कह सकते हो हैवी सामान अगर बहुत ज्यादा आपको ले जाना है तो रेल का ही यूज होता है भाई उसमें अगर देश के अंदर न्दर अंदर जा रहा है विच ऑफ द फॉलोविंग पेयर इज नॉट मैचड करेक्टली कौन सा वो पेयर है जो सही से मैचड नहीं है ठीक है सो इसमें है ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ठीक है ईस्टर्न वो है कोलकाता सदन न्यू दिल्ली नदन मुंबई वेस्टर्न चेन्नई सो आपको इसमें बताना है कि वो कौन सा है जो सही से मैच नहीं है सो so, भाई दिल्ली सदन में नहीं है ठीक है सो आप इसमें कह सकते हो ऑप्शन बी आपका करेक्टली मैच नहीं है आगे बढ़ता नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया सो so, सबसे पहले है देर इज शार्प राइज इन ओवरसीज ट्रेड इन इंडिया फॉरन ट्रेड इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन इन फॉरन ट्रेड इज ओनली वन परसेंट बोथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हैीज इन इंडिया एक्सपोर्ट वैल्यूज इज मोर देन इम्पोर्ट वैल्यू इन इंडिया सो इसके अंदर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा भाई एक्सपोर्ट अभी हमारा इतना ज़्यादा नहीं है ठीक है सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल आइटम इन इंटरनेशनल ट्रेड वो कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ है ट्रेडिशनल आइटम्स वगैरह में क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसलिए कोई भी भाई इतना ज्यादा ट्रेडिशनल आइटम्स वगैरह नहीं लेना चाहता फिर है विच ऑफ दी फॉलोइंग वाज़ द मेजर आइटम ऑफ इंपोर्ट ड्यूरिंग द डिकेट्स ऑफ नाइन फिफ्टीज एंड नाइनटीन सिक्सटीज सो नाइनटीन फिफ्टीज और फूड ग्रेन्स वगैरह ज्यादा मंगवाते थे क्योंकि हमारे यहाँ पे अकाल वगैरह पड़ा हुआ था ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही थी सो so, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा फिर उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन हमारा इंडिया एम्स टू डबल इट्स शेयर इन द इंटरनेशनल ट्रेड विद इन द नेक्स्ट फाइव ईयर फॉर दिस मेजर इज बाय इट कौन सी वो चीज है जो इंडिया ने करी है लिबरलाइजेशन को अपनाया इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई लाइसेंसिंग प्रोसेस को स्ट्रेंथनिंग कर दी उसकी या सिक्योरिटी टैक्स वगैरह ये मतलब बढ़ा दिया भाई देखो लिबरलाइजेशन को अपनाया इंडिया ने जिससे कि आगे इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया को फायदा मिले सो ये हो जाएगा फिर है फिलिंदा ब्लैंक इन केस ऑफ द मेजर पोर्ट्स ठीक है इन केस ऑफ द मेजर पोर्ट्स यहाँ पे है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड द पॉलिसी एंड प्लेस रेगुलेटरी फंक्शन फॉर दिन माइनर पोर्ट पॉलिसी एंड फंक्शन आर रेगुलेटेड बाई देखो जो बड़े पोर्ट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है जो छोटे मोटे पोर्ट्स होते हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट सम्भाल सिंपल साइज को ऐसे ही याद रखो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज द मेन सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन भाई नॉइज पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज से होता है मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन से होता है ऑटोमोबाइल से होता है हवाई जहाजों से होता है लेकिन सीवेज वगैरह से ये नालियों से थोड़ी ना नॉइज पॉल्यूशन होता है uh, फिर उसके बाद है विच ऑफ दॉलोविंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड वेस्ट स्टेन्ड स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल सॉलिड है ब्रोकन ग्लासवेयर सॉलिड है पॉलिथिन बैग्स और उसके बाद है टॉक्सिक इफ्लुएंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज सो आप इसमें रख सकते जो टॉक्सिक इफ्लुएंस होते हैं वो आपके सॉलिड वेस्ट में नहीं आते विच ऑफ दिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन झबुआ डिस्ट्रिक्ट झबुआ के अंदर मेन कॉज क्या था पॉवर्टी का डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड विंड इन डिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट स्लो अर्बनाइजेशन देखो वहां के फॉरेस्ट वगैरह धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं लैंड वहां का बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रहा है सो ये हो जाएगा फॉलोइंग इज द मोस्ट वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा वॉटर पॉल्यूशन किसमें होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में इलेक्ट्रो प्लांटिंग इंडस्ट्री में या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या आप इसका आंसर दे सकते हो सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री कौन सी है सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किस इंडस्ट्री में होता है So, मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे जो मैंने तीन चार क्वेश्चन पूछे हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें जय हिंद जय भारत